हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भर्ती 2020 के बारे में। पोस्ट है प्रोग्राम मैनेजर, पब्लिक हेल्थ फाइनेंस ऑफिसर एंड अदर्स, जिनके लिए मेल फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं बिना किसी आवेदन शुल्क के। जी हाँ दोस्तों, आपको अप्लाई करते समय यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो और आपका सिलेक्शन बिना किसी एग्जाम के सीधा इंटरव्यू के द्वारा होने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप इन पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा इन पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ीस, सैलरी पैकेज, और जानना होगा आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। जो कि ये पूरी डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, अब मैं आपको NHM भर्ती 2020 की कंप्लीट डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती नेशनल हेल्थ मिशन मुंबई के अंतर्गत होने जा रही है। पोस्ट और वैकेंसीज इस प्रकार है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए 3 वैकेंसीज, प्रोग्राम मैनेजर पब्लिक के लिए 76 वैकेंसीज, हेल्थ फाइनेंस कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट के लिए 8 वैकेंसीज या बजट और फाइनेंस ऑफिसर के लिए 9 वैकेंसीज, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर के लिए 1 वैकेंसी, ME स्टेटिकल ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर ED/EDW के लिए 2 वैकेंसीज, एपिडेमियोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट NPCD/CS के लिए 2 वैकेंसीज है, PPM कोऑर्डिनेटर के लिए 2 वैकेंसीज, कंसल्टेंट VBD के लिए 2 वैकेंसीज, सिटी प्रोग्राम मैनेजर के लिए 5 वैकेंसीज है, जो कि टोटल 111 वैकेंसीज है। और इन वैकेंसियों पर 18 से 70 साल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए एजुकेशन में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए MBBS या फिर कोई भी मेडिकल ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है, और साथ ही साथ हेल्थ में MPH या MHA या MBA होना जरूरी है। प्रोग्राम मैनेजर के लिए MBBS या कोई भी मेडिकल ग्रेजुएट डिग्री और साथ ही साथ हेल्थ में MPH या MHA या MBA होना जरूरी है। हेल्थ फाइनेंस कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट के लिए BCom और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है या फिर MCom होना जरूरी है। बजट फाइनेंस ऑफिसर के लिए CA या इंटर CA या ICWA या इंटर ICWA या फिर MBA फाइनेंस में होना जरूरी है, और साथ ही साथ ग्रेजुएट होना जरूरी है, वो भी कॉमर्स के साथ, या फिर MCom और साथ ही साथ टैली होना जरूरी है। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर के लिए MBBS वो भी फाइनेंस में या फिर MCom और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ME स्टेटिकल ऑफिसर के लिए MSc स्टेटिक्स होना जरूरी है। जूनियर इंजीनियर IDW के लिए BE सिविल में होना जरूरी है। एपिडेमियोलॉजिस्ट या पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट NPCDS के लिए MBBS या फिर मेडिकल ग्रेजुएट डिग्री और साथ ही साथ MPH या MHA या MBA होना जरूरी है, वो भी हेल्थ में। PPM कोऑर्डिनेटर के लिए अगर बात की जाए तो इसके लिए MSW या MA वो भी सोशल साइंस में होना जरूरी है। कंसल्टेंट VBD के लिए MBBS या मेडिकल ग्रेजुएट डिग्री और साथ ही साथ MPH या MHA या MBA होना जरूरी है, वो भी हेल्थ में। सिटी प्रोग्राम मैनेजर के लिए MBBS या ग्रेजुएट डिग्री या फिर MPH, MHA या MBA वो भी हेल्थ में होना जरूरी है। और आप इस भर्ती के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। आपका सिलेक्शन यहाँ पर इंटरव्यू के द्वारा होने जा रहा है। सैलरी आपको पोस्ट वाइज मिलने वाली है, जो इस प्रकार है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजिस्ट पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट NPCD/CS के लिए 35,000 आपको सैलरी के रूप में पर मंथ मिलने वाले हैं। फाइनेंस कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट बजट और फाइनेंस ऑफिसर और PPM कोऑर्डिनेटर के लिए 20,000 रुपये पर मंथ, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर और ME स्टेटिकल ऑफिसर के लिए 30,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए
25,000 रुपये पर मंथ, कंसल्टेंट VBD के लिए 45,000 रुपये पर मंथ, सिटी प्रोग्राम मैनेजर के लिए 38,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी के रूम में मिलने वाले हैं। दोस्तों जॉब लोकेशन है मुंबई महाराष्ट्र और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 28/5/2020। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है www.nrhm.maharashtra.gov.in या फिर www.arogya.maharashtra.gov.in। दोस्तों इन ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन और PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों ये थी इस भर्ती की पूरी जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन PDF का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके इस भर्ती की पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो मेल ID के द्वारा। मेल ID आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं।